वेलकम बैक गाइस। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रब बूटलोडर जो होता है उसको सिक्योर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वॉक थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जिसका नाम रेड हैट है। फिर उसके बाद मैं उसका लॉग इन पासवर्ड भूल गया, जिसके लिए हमें एक और ट्यूटोरियल बनाना पड़ा जिसमें हम लोगों ने पासवर्ड को ब्रेक किया था। और अब जो हम ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं उस ट्यूटोरियल में हम लोग उस तरीके को, उस वे को, उस ग्रब लोडर को, जिसे हम ग्रब लोडर कहेंगे, ग्रब बूट लोडर को हम लोग जो है उसमें पासवर्ड लगाएंगे ताकि वो सिक्योर रहे, ताकि कोई और जो है इस तरह से हम लोगों का पासवर्ड ब्रेक ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल हमें लिनक्स में कुछ भी काम करना है तो हम लोगों को टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल ओपन कीजिए और अब हम लोग, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में भी कहा था कि अगर हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करनी है तो वो हमें सुपर यूज़र से करनी पड़ेगी, यानी कि रूट अकाउंट से। तो अपने रूट अकाउंट में लॉग इन कीजिए। चलिए, रूट अकाउंट में आने के बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रूट फोल्डर में एक बूट नाम का फोल्डर होता है, उस बूट नाम के फोल्डर में एक ग्रब नाम का फोल्डर होता है, और उस ग्रब नाम के फोल्डर में एक grub.conf नाम की एक फ़ाइल होती है, जो कि जो बूट लोडर की जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है उसे हम grub.conf के नाम से जानते हैं, grub.conf जो उसकी बूटलोडर की फ़ाइल होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को उस फाइल में पासवर्ड लगाना है। और सबसे पहले हम लोग एक सेफ तरीके से हम लोग इस काम को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस फाइल का, जिस फाइल में हम लोगों को एडिटिंग करनी है, जिस फाइल में हम लोगों को चेंजेस करने हैं, उस फाइल का हम सबसे पहले बैकअप लेंगे ताकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको रिस्टोर कर सकें, ताकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से इंस्टॉल ना करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे उस फोल्डर में, हमारी फाइल वो है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको कॉपी कर लेंगे grub.conf। मैं सोच रहा हूँ उसको हम डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेते हैं, /home/cybergaze/ चलिए आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे वो फाइल जो है कॉपी होके आ गई है। तो अब हम इस फाइल कर सकते हैं। तो फाइल को एडिट करने के लिए आप कोई भी जो है टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विम एडिटर होता है, वीआई एडिटर, या फिर जी एडिट, या फिर टेक्स्ट एडिट, जो भी एडिटर आपके सिस्टम पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को जो पासवर्ड हम रखना चाहते हैं उस फाइल में, हमें सबसे पहले उस पासवर्ड को बनाना पड़ेगा और उस पासवर्ड को हमें इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, सॉरी हैश करना पड़ेगा, उसको हमें हैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो एज अ प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड हम उसको ना रखें और कोई उसे पढ़ ना ले, तो फिर पासवर्ड डालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हम उसे सबसे पहले हम हैश में कन्वर्ट करेंगे। तो हैश में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले कमांड का यूज़ करेंगे। इसके लिए स्पेशल कमांड बनाई गई है, grub md5-crypt, एंटर प्रेस करेंगे। grub-md5-crypt लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, मैं 1234 डाल रहा हूँ। और आप देख सकते हैं हमारे पास एक हैश बन किया गया है। अब हम इस हैश को कॉपी कर लेंगे एज इट इज।
और अब हमें उस ग्रब फाइल में इस पासवर्ड को हमें वहाँ पे डालना है। तो हम इसको ओपन करेंगे ग्रब फाइल को, और ग्रब फाइल को ओपन करने के लिए मैं जी एडिट का यूज़ करूँगा। चलिए अब यह फाइल हमारे पास खुल चुकी है। अब यहाँ पे एक छोटे सा ट्विस्ट है कि जो पासवर्ड जो हम यहाँ पे जो हम सेट करने जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर लाइन में लगाया जाता है। ये जो टाइम आउट आपको दिखाई दे रहा है, टाइम आउट इज इक्वल टू 5, ठीक इसी के नीचे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे PASSWORD पासवर्ड स्पेस हाइफन हाइफन MD5 स्पेस, और जो भी हमने वहाँ से कॉपी किया था हैश। दोस्तों जो भी हैश है, जो भी हमने हैश अभी यहाँ पे कॉपी किया है, इसका जो पहली 3 लाइंस जो है $1, ये $1 जो है ये स्पेसिफाई करती है कि ये जो पहली 3 जो जो कैरेक्टर्स हैं ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी हैश है वो कौन सा हैश है। जैसे कि MD5 हैश हमेशा $1 से स्टार्ट होता है, तो सॉरी डॉलर, हाँ $1। तो चलिए हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया है, अब हम इस फाइल को सेव कर देंगे कंट्रोल एस, और अब हम इसको क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद हम इसको क्लियर कर देंगे। और हम लोगों का जो ग्रब का जो पासवर्ड था वो लग चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं अपने सिस्टम को रिबूट करके। जब आप बूटलोडर मेन्यू में आएंगे तो वहाँ पे जब आप पी प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको आपका ग्रब का पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने अभी अभी सेट किया है, उसके बाद ही आपका सिस्टम आगे बूट करेगा। और अगर कोई एडिट करने के लिए ई भी दबाएगा तब भी उसे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो हमारा ग्रब जो है वो इस वक्त बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट लिखिए, कमेंट में मुझे बताइए। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और थैंक यू।